बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह औद्योगिक थाने में पदस्थ एक आरक्षक का अपहरण कर ले गए और कमरे में बंद कर उसकी जमकर पिटाई की। गंभीर घायल आरक्षक को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल आरक्षक बोलने की हालत में नहीं है। दरअसल विकास पटेल औद्योगिक थाने में पदस्थ है। सोमवार रात करीब 9:30 बजे वह विकास नगर चौराहे से अपने दोस्त के साथ बाइक से निकल रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार कट मारकर आगे निकला और गालियां देने लगा। सिविल ड्रेस में आरक्षक ने बाइक सवार का पीछा किया तो वह सिविल लाइंस होते हुए ब्रिज के पास पहुंच गया। यहां पहले से बोलेरो लेकर युवक के दोस्त खड़े थे। उन्होंने विकास को रोककर मारापीटी शुरू कर दी। विकास ने खुद के आरक्षक होने का हवाला दिया, तब भी बदमाश उसे बोलेरो में बिठाकर विजयनगर ले गए और एक कमरे में उसे बंद कर दिया। इस दौरान राहुल पवार और 5-6 अन्य बदमाशों ने हॉकी और डंडे से विकास की जमकर पिटाई की। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाश भाग गए। विकास को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जिस बोलेरो से आरक्षक को ले जाया गया वह राहुल पवार के नाम पर है। पुलिस ने आरक्षक की शिकायत पर राहुल पवार और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, विकास नाम का आरक्षक औद्योगिक थाना क्षेत्र में पदस्थ है। कल रात को उसने बताया कि वो पेट्रोलिंग कर रहा था तो कुछ लोगों के साथ उसकी विवाद हो गया था, हल्की मारपीट हुई है, तो उसका मेडिकल करा के केस रजिस्टर किया गया है। बाकी आरोपियों को तलाश कर रहे हैं। इसका कहना है कि जो पेट्रोलिंग कर रहा था तो कुछ लोगों के साथ जो वहाँ खड़े थे इसका विवाद हो गया था और उस पर से कायमी की गई है। मेरे को फोन आया। अच्छा, मैंने मुझे 11 बजे रात की बात है। अच्छा, कौन से थाने में थे? औद्योगिक क्षेत्र।